जो बीज हमें छोड़ के चले गए हैं वे भी ऐसे ही नहीं गए। आप सबने मिलकर के करारा जवाब भी दिया है। शायद आप घायल हैं, अस्पताल में हैं, इसलिए शायद आपको अंदाजा नहीं आता होगा, लेकिन 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव कर रहे हैं। आपके इस साहस शौर्य हमारी पूरी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रही है और इसलिए आपका ये पराक्रम, आपका ये शौर्य और आपने जो रक्त बहाया है वो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देशवासियों को आने वाले लंबे अरसे तक प्रेरणा देता रहेगा। और आज जो विश्व की स्थिति है वहां जब ये मैसेज जाता है कि भारत के वीर जवान ये पराक्रम दिखाते हैं, ऐसी ऐसी शक्तियों और शक्तियों के सामने दिखाते हैं, तब तो दुनिया भी जानने को बड़ा इच्छुक रहती है कि नौजवान है कौन, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनका त्याग कितना ऊंचा है, इनका कमिटमेंट कितना बढ़िया है। आज पूरा विश्व आपके पराक्रम का एनालिसिस कर रहा है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रणाम करने आया हूं, आपको छू करके, आपको देख करके एक ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, एक प्रेरणा लेकर के जा रहा हूं और हमारा भारत आत्मनिर्भर बने। दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं न कभी झुकेंगे। और ये बात मैं बोल पा रहा हूं आप जैसे वीर पराक्रमी साथियों के कारण। मैं आपको तो प्रणाम करता हूं, आपको जन्म देने वाली आपकी वीर माताओं को भी प्रणाम करता हूं, शत शत नमन करता हूं माताओं को जिन्होंने आप जैसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया है, पाला पोसा है, लालन पालन किया है और देश के लिए दे दिया है। उन माताओं का जितना गौरव करें, उनको जितना सर झुका करके नमन करें इतना कम है। फिर एक बार साथियों, आप बहुत जल्द ठीक हो जाए, स्वास्थ्य लाभ हो और पुनश्च हरि ओम, पुनश्च हरि ओम, इसी मिजाज के साथ आओ हम सब मिल करके चल पड़ेंगे। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।